देखिए, हमने कई बार पहले भी कहा आपको, कंट्री की हमारी प्रीमियर एजेंसीज होती है जुडिशी के अलावा। जुडिशी का सम्मान तो अलग, सबसे सम्मान बड़ा है संविधान बचाने के लिए, पर जो प्रीमियर एजेंसी जो है, फाइनेंशियल अनियमितताओं की हो या कोई क्राइम किया हो, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये जो एजेंसी हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो आप सोचिएगा कि मैस हो जाएगा देश के अंदर, मैस हो जाएगा वित्तीय अनियमितताओं का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, क्राइम का। हर राज्य में कहते हैं कि आप जांच सीबीआई को दे दीजिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है। आज उल्टा हो रहा है, तो ये आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति, चिंताजनक स्थिति है। सवाल पीसीसी प्रेसिडेंट का नहीं है, सवाल मेरे सन का नहीं है, सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है, आतंक मचा रखा है। और जिस पर आतंक है, छत्तीसगढ़ में करीब साल भर से ईडी के लोगों ने, मैंने सुना है, वहाँ अपने फैमिली को शिफ्ट कर दिया, वही मकान वगैरह किराया ले लिए, क्योंकि रोज उनको छापेमारी करनी पड़ी, 6 महीने 8 महीने 10 महीने 4-5 लोग जेल में बैठे हुए हैं वहाँ का आई एस वगैरह। ये जो आतंक मचा रखा है, ये सब संकेत नहीं है। दूतावासा जी के घर पे कल हमने दो कल हमने घोषणा करी गारंटी की, एक महिलाओं के लिए गृहलक्ष्मी योजना, एक हमने 500 रुपये गैस सिलेंडर का एक्सपेंस दिया। ये चाहते नहीं हम लोग कैसे महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, आम आदमी को राहत दें। कल किया और आज दो जगह सफल पड़ गए। और पीसी पेड़ का सफल पड़ने मायने रखता है। एक पार्टी का मुखिया, लेकिन नोटिस भी नहीं दिया आपने, छवे पर पढ़ते हैं आप, नोटिस दिया नहीं, कोई केस दर्ज नहीं, कोई शिकायत नहीं। और शिकायत करने वाले कौन है, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं राजस्थान के अंदर जिनका काम धंधा यही है, अपने करोड़ी महीना एक टिकट लेने की खातिर पूरा मिला हुआ है, उनको काम ही सौंप रखा था साल भर से उनके डीजीपी ने, जाके ईडी में शिकायतें करो, गणपति प्लान जाके बैठ गए, 500 करोड़ के अंदर पड़े हुए हैं। आप बताइए, ईडी पहुंच जाती है। कल मान लो हमारे कोई नेता जाके धरना देगा कि इस राज्य के अंदर 800 करोड़ रुपए हैं, ईडी आएगी? ये काम इनकम टैक्स का था, शिकायत इनकम टैक्स करते भाई कि मेरे को इतना मिली है कि गणपति प्लाजा के लॉक करते पैसा ब्लैक मनी है। इनकम टैक्स जांच करती, कुछ भी करती, ईडी का वहां क्या काम है? मैं एग्जाम दे रहा हूं आपको, आज दूतावासा जी का छापा पड़ना मायने रखता है। किसान का बेटा है, लगा हुआ है जब से वो राजनीति में आए, तब से राजनीति कर रहे हैं। एसएमटी के अंदर विपक्ष में थे तो भी कमी नहीं रखी आवाज उठाने की समस्याओं को लेकर, राजस्थान के तो किसानों की हो, मजदूरों की हो, आम आदमी को, असेंबली के अंदर या बाहर, उस व्यक्ति ने कभी कमी नहीं रखी। हमारी गवर्नेंस को जो है, जिस प्रकार रिफंड उन्होंने किया है, कोई कर नहीं सकता। और इसलिए टारगेट बनाया गया है, जो मैं कहना चाहता हूँ, टारगेट इसलिए बनाया गया, जितनी इसकी निंदा करें उतनी कम है। हम किसी गौर शब्द निंदा करते हैं, वैभव गहलोत को कोई 5-10 साल में सुनता रहता हूँ, लोग शिकार ईडी में करते करते, एक वो महाराष्ट्र के आए थे मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, तब से सुन रहा हूँ मैं। और परसों कल नोटिस मिला, आज वहां जाके हाजिर हो ईडी के अंदर, कल नोटिस मिला, तारीख लगी 19 तारीख लगी हुई, कल 25 को नोटिस, 26 को आप हाजिर हो जाओ। तो क्या है, तो ये मजाक नहीं है क्या? ये हमको गवर्नर ने भी, हमारे अंदर साहब ने कहा
कांग्रेस पार्टी उसके नेता कोई घबराने वाले नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। हमारे यहाँ जो टीडी दल आता है उससे सीटीडी जो पाकिस्तान का आता है टीडी दल, वो फैसला चिट कर जाता है, ईडी इनकी फैसलों को चिट कर जाएगी। ईडी जो है ना बीजेपी की ऐसी हालत खराब करेगी, गांव गांव बात फैल जाएगी कि टीडी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं, आप समझ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो और आप इनके इतिहास देखिएगा आपको आश्चर्य होगा इन्होंने कैसी मजाक बना रखी है और इनकी क्रेडिबिलिटी क्या रही है। दो चार छह चौदह के बीच में जब यूपी गवर्नमेंट थी 112 सर्च की गई, 112 सर्च की गई तो जेनुइन सर्च की गई थी, जेनुइन कंप्लेंट थी, इसलिए 112 मेरे 104 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। मैंने 112 सर्च और 104 चार्जशीट पेश कर दी गई 93%, ये उसका काम था। अब क्या हो रहा है, 14 के बाद में 3010 जगह छापे डाले, छापेमारी की 3010, कहां तो 112 10 साल में और कहां 3010 9 साल में। इनमें 888 केसों में चार्जशीट से पेश की गई, मतलब 29%, 93% यूपी गवर्नमेंट में, क्योंकि जेनुइन छापेमारी थी, जेनुइन काम होता था, और 29% शेयर। इससे अंदाज लगा लीजिए, और कोई बीजेपी नेता से पाक साफ है, कोई कांग्रेस नेता जाता है बीजेपी में तो उदुल जाता हूं आपको मशीन में। और तो प्रधानमंत्री खुद जो बोलते हैं अजीत पवार के बारे में, एनसीपी के बारे में, करप्ट पार्टी है, बड़े आरोप लगाए, दो दिन बाद में वो शामिल हो गए सरकार में महाराष्ट्र में, अजीत पवार साहब बन गए, वित्त मंत्री बन गए, जिनके प्रचार थे उनको बना दिया खाने खजाने का मंत्री बना दिया। इसका आप क्या कहेंगे, एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इतने में कहना चाहूंगा कि जो हालात बना रखे हैं इससे कोई घबराने वाले नहीं है, ये इनको गलतफहमी है। अभी तो हम और गारंटी देने जा रहे हैं, कल 5 गारंटी देने जा रहे हैं, 5 गारंटी उनको तैयारी करने से 5 नेताओं को चुन ले पहले ही, कि जब गारंटी कल देंगे परसों कहां का छापे डालने हैं पहले तय कर दें। ये हालात है तो आप सोच सकते हो कि डेमोक्रेसी में अगर ऐसी सरकार बनी बैठी है दिल्ली में जो लोगों दिल जीतने के बजाय अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से और सिद्धांतों से आप कामयाब हो, उसकी बजाय आप जो है आप गुंडागिरी कर रहे हैं। गुंडागिरी ही है, ऊपर के दबाव के बगैर ना ईडी आ सकती है, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स आ सकती है। तो आप देख लीजिए जो शेखावत वाला केस है, संजीवनी वाला, उसमें कितनी बार ईडी को रिक्वेस्ट करी आने के लिए, वहां ईडी नहीं आएगी। 6वां पत्र लिखे होंगे, उनको 6वां रिक्वेस्ट की गई कि आप केस ले लीजिए, ईडी का केस ले लीजिए, जिन बैठे हुए वो लोग, और शेखावत साहब के ऑस्ट्रेलिया में, इथियोपिया में, पता नहीं कहां कहां पर प्रॉपर्टी हैं, क्या लेन देन हुआ है, ईडी को रिक्वेस्ट करिए, एसओजी रिक्वेस्ट करिए, एसओजी रिक्वेस्ट करिए, तभी प्रॉब्लम नहीं जा रही है। आप देख लीजिए इस प्रकार से हमारे कांग्रेस नेताओं को जिस प्रकार से ये तंग किया गया है वो सबके सामने है। इसलिए आज हमने उचित समझा कि आप सबको बुलाया जाए, एक्सप्लोर किया जाए, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां जाके ईडी
क्या फिर आती है चुनाव हम जीतते हैं, तो आप सोच सकते हो इसका मतलब क्या हुआ। टैंक के आगे 22 बार छापे डाले गए कर्नाटक के अंदर, चुनाव जीते कांग्रेस। हवा चल रही सचिनगढ़ के अंदर कांग्रेस की, वहां तो मैंने कहा साल भर से बैठे हुए ईडी वाले मकान किराया लेकर बैठे हुए छापे डाल के लगातार तंग कर रहे मुख्यमंत्री को सरकार को, वहां कांग्रेस जीते जा रही है। राजस्थान में आप देख लीजिए स्थिति क्या है कांग्रेस की, मैंने कई बार कहा आपको इस बात सरकार का मन है सरकार रिपीट करने का, ये माहौल बन चुका है राजस्थान के अंदर, इनको तकलीफ हो रही है, डरा रहे धमका रहे लोग। महाराष्ट्र में क्या किया, जिन दिन के नाम मुकदमे थे ईडी के, क्या शिवसेना टूट के गई अलग, तो उन्होंने मुकदमे वापस ले लिए गए नेताओं के। जो अजीत पवार के साथ गए थे साथ में जन जो सरकार को, उनके मुकदमे वापस ले लिए गए। ये हालात भाई, वो तो जवाब देंगे तब वो जवाब मिलेगा आपको। फिलहाल मैं समझता हूँ कि उनका कोई बिजनेस है नहीं, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कोई बिजनेस नहीं है। देखिए वैभव गलत कोई काम है नहीं, कोई कंपनी ने किया होगा वो जवाब देगी उनका। वैभव गहलोत का तो खाली, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, एक खाली टैक्सी की जो है कंपनी है उसमें रतन शर्मा पहले पार्टनर था 25 लाख रुपए का ही हिस्सेदारी मेरे ख्याल वैभव गहलोत की थी, और वो अलग पार्टनर अलग हो गए, वही सही मामला है। अब उस होटल के अंदर जो कंपनी है उसमें शेयर कितने बेचे, किसको बेचे, कितने बेचे।